मैं शिवानी से 2012 फेब के लास्ट वीक में मिला था। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अपने बर्थडे के कुछ दिन बाद। उस समय मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, तो लगभग 3 साल बाद यानी 2015 में जब मैंने जो है अपनी पहली जॉब शुरू की, तो उस वक्त मैंने उसे जो है घर वालों से मिलाया। मतलब दबे शब्दों में बता दिया कि देख लो, यही तुम्हारी होने वाली बहू है। मेरी और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। मैं मतलब खुले आशिक आदमी टाइप, वो बिल्कुल रिजर्व्ड। मतलब अगर आई लव यू भी बोलूँ तो सर हिला दे। तो अभी बड़े लंबे इंतज़ार के बाद लास्ट ईयर उसने जो है अपने घर में बताया। तो 2012 से 2024 यानी 12 साल एक दूसरे को जानने के बाद अब हमारी शादी है। तेईस अप्रैल को जो है मेरी शादी है। अभी भी मुझे 3 कैमरामैन देख रहे हैं, थोड़ी सी शर्म आ रही है मुझे, मजाक कर रहा था मैं। और आज जो है 21 अप्रैल है। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा जो है ये कीर्तन के म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी। तो आज 21 अप्रैल को कीर्तन है, अभी दिन में शाम को मेहंदी है, और कल हम लोगों की एक गेट टुगेदर है, एक पार्टी है सबकी, और परसों शादी है। तो अभी आप सभी को मतलब बुलाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन वीडियोस के थ्रू जो है ये सारी खुशियाँ हम मतलब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी कीर्तन में चलते हैं। अच्छा, कीर्तन बोले तो मतलब वैसे जो नॉर्थ में है आप हम सब लोग तो जानते हैं, मे बी जो साउथ में है शायद आप लोगों के वहाँ कुछ इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता हो। तो कीर्तन या महिला संगीत एक तरीके से जितने भी आपके आस पड़ोसी हैं और ख़ास करके जो फीमेल्स हैं वो आती हैं और थोड़ा ढोल वगैरह बजाते हैं, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनके साथ, भगवान के भजन और कीर्तन होते हैं। तो एक तरीके से ये शुरुआत है भजनों के साथ कि मतलब एक शुभ कार्यक्रम जो है होने जा रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी रहता है, ऑल दो मेल्स जो है वो तो नहीं डांस करते बट कर सकते हैं। तो फीमेल्स वगैरह मतलब जितनी भी लेडीज़ पार्टी है उनका डांस देखेंगे। ये मेरी ताई जी हैं और बहुत कमाल का कीर्तन करती हैं ये। आज जो है ये बन्ना बन्नी के गीत लगा रही हैं। बन्ना बोले तो दुल्हा और बन्नी बोले तो दुल्हन। तो इन गीतों के माध्यम से मतलब सबको छेड़ा जाता है, सबकी टांग खींची जाती है। तो आज वो एक तरीके से एक्ट कर रही हैं, वो बनी हुई हैं शिवानी यानी मेरी वाइफ, और अपनी सास यानी मेरी माँ को इन गीतों के माध्यम से छेड़ रही है। तो बड़ा फनी कॉन्वर्सेशन होता है ये, तो इसे ध्यान से सुनिएगा।
तो महिला संगीत के बाद अभी जो है हम सबको धीरे धीरे मेहंदी लग रही है और शायद मेरा नंबर अभी आखिरी आएगा। ये है निधु ये निशु की दोस्त है और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। एक बार मेहंदी दिखाओ, पहले पीछे दिखवाई इसने ये निकू है, इसको मतलब मोस्टली अभी किसी व्लॉग में देखा था क्या? नहीं ना, उसका मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। ये मेरी मतलब मामा की बेटियाँ हैं, तो ये सारी कज़न है मेरी। ये निक्कू है, ये काजू है और एक तो आई नहीं। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ये बोली तेरे को कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, हम कब से वेट कर रहे थे इस दिन का, भैया की शादी कब होगी। ये नेहा मैम है, ये हमारे YouTube वाले दोस्त हैं तो काफ़ी टाइम से मतलब जानते हैं और फाइनली इस ओकेजन पर वापस से मिलना हुआ है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा नवीन को दूसरा नाम देती हूँ, सुकून। तो मैं अपने सुकून की शादी में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस करनी थी और ये जो स्पेशल मेहंदी आर्टिस्ट आप देख रहे हैं, ये हमने दिल्ली से आई है ये, और लवीना भी जो है हमारी YouTube वाली दोस्त में से हैं और मतलब काफ़ी टाइम पहले भी मिले, तो अभी जो है शादी में वापस से मिलना हुआ। कैसा लग रहा है तेरे को? मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ उनकी शादी में आके। और अगर ऐसी मेहंदी आपको लगवानी है तो डायरेक्टली आप लवीना को भी कॉन्टेक्ट कर, मतलब प्रोफेशनली शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। बाकी सासू माँ ने तो बोल दिया ऑलरेडी ठीक है। और कोई और जो इन सब वीडियो के पीछे जो सबसे जो महान हस्तियां हैं वो ये दो लोग हैं जो स्पेशली मतलब कलकत्ता से आए हैं। तो इनसे मतलब मेरे ख्याल में साल दो साल पहले कमिटमेंट की थी मैंने कि मेरी शादी में तुम ही शूट करोगे जो है। उस समय तो वैसे ही बोल दिया था खैर मैंने पर हो गया, ऐसा हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके आने से। बिन बुलाए मेहमान हैं, ऐसे ही चले आए हम लोग, ऐसे ही चले आते रहते हैं। इनको थोड़ा सा दारू चाहिए होता है। अभी हमारी प्लानिंग में थोड़ा सा वो है, एक्साइट क्या बोलेंगे इसको, क्या मोमेंट है यार ये, थ्रिल। मेहंदी में थोड़ा थ्रिल आने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो मैं जो है शिवानी से 2012 में फेबरी एंड में मतलब मिला था। तो आज के दिन में मतलब 12 साल, आज के दिन में क्या मतलब इस साल में हम 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं और उसको लगभग आप समझो कि 12 साल लग गए घर में बताने को।
तो आप सोचो कि मेरे और उसमें मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज है। मैं मतलब खुले आशिक आदमी टाइप एकदम आवारा, वो बिल्कुल रिजर्व, उसकी फैमिली भी मतलब उसी तरीके से है ट्रेडिशनल एकदम, जो सोचते हैं ना कि हाँ यार। तो अभी प्लान ये है इन शॉर्ट कि हम लोग जा रहे हैं उसके वहाँ। अब ऑब्वियसली मतलब अब उसके फैमिली वालों को तो शायद ये सही नहीं लगेगा कि ऐसे आना, बट कोशिश है हमारी कि हम अपने पहले कुछ जासूस भेजेंगे अंदर, थोड़ा सा वो जेलअप करेंगे, फिर थोड़ी देर वो उसको बाहर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब एक साथ में जो है कपल कुछ फ़ोटोज़ मतलब आ जाएं। मेरी इच्छा है, बाकी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखो ऐसा करता हूँ कि इनको अंदर भेजता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा तुम्हारी फ़ोटो खींच लेंगे एक दो, ठीक है, सिंगल सिंगल, फिर ये बोलेंगे कि थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचनी है। उनका कुछ नहीं बोलो, ये उसने भेजे हैं, नवीन ने भेज रखे हैं, ये अलग है। निपटाने के बाद नहीं हो सकता ना बाबा, निपटाने के बाद का क्या मतलब है, 10 मिनट ही तो लगेंगे। ओके, पर देखो ना अगर हमारी फोटो आ गई साथ में तो ये फिर दोबारा कहाँ आएगी। देखो ट्राई करते हैं, अगर ऐसा लगेगा कि नाराज हो रहे तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरी कैमरामैन टीम अंदर जाते हुए। ऑल द बेस्ट। मेरे को लग तो नहीं रहा था। भाई झुक झुक जियो, झुक झुक जियो, बहुत सुंदर लग रहे हो। इसके लिए स्पेशल ट्रीट चाहिए हम लोग। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए दो बियर और। कैसा है? इसको भी दे देना। जल्दी जल्दी करो, ये वाला इसके भागना नहीं है, तो गेट के सामने हो। गाड़ी घुमा के उस साइड लगा। एक बार इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये दिखाओ ना। हाँ ऐसे करो, आप देखो, दोनों देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक दूसरे की तरफ देखो, एक दूसरे की तरफ देखो। यस असली मेरे को मतलब उम्मीद नहीं थी कि मतलब मेरे को इतना इजीली तो नहीं लग रहा था कि, लेकिन जिस तरीके से उसने बोला, उसका खुद का फोन आया कि आ जा बाहर आ जा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को लगता है कि इस काम में जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे वो ये खुद हैं जिन्होंने कैमरा पकड़ा है, और दो खिलाड़ी पीछे हैं। इनकी जो मीठी बोली है वो क्लाइंट को तो फिसल देती है, साथ के साथ इन्होंने पता नहीं कैसे उसको बाहर ले गए। कैसे लाए भाई तुम उसको बाहर, कैसे लाए? अरे पहले उनको बोला कि तुम्हारी मम्मी से मिलने आए हैं, ठीक है, तुम्हारे मम्मी से मिलना है, मिठाई देनी है, तो वो तो थोड़ा नर्वस हो रही थी। तो आंटी जी तो बहुत ही कूल है भाई। आंटी जी को जब बोला कि हम लोग नवीन का दोस्त है, कलकत्ता से आए हैं, तो उन्होंने तो बहुत तगड़ा वेलकम किया हम लोगों को। तो बहुत और मिठाई का डब्बा देख के ना सब कोलकाता से मीठास आ जाता है। कोलकाता से लाए हो, क्या बात, तो खाना खा के जाना है सब बोला। तो हम लोग बोला कि अभी नहीं खाएंगे, उनका फोटो खींच लेते हैं। बोले हाँ हाँ खींचो खींचो, जाओ जाओ खींचो। तो उसी को क्यू करके हम लोग ने उनको परमिशन मिल गया, और क्या चाहिए। तो उनको आके बोला कि आंटी जी का परमिशन मिल गया, तो वो आ गए। मेरे को यही लगता है कि मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब वो मेरे थ्रू या कुछ हुआ है, क्योंकि वो बहुत नर्वस थी, जब तक फोन में भी बात कर रही थी थ्रू आउट नर्वस थी, है ना। लेकिन मतलब जो इसने किया है, खास करके विनीता ने, मेरे को लगता है जब फीमेल कुछ काम पे ठान लेती है तो कर ही लेती है फिर, ठीक है। तो आज का मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, और अब मेरी जो है मेहंदी लगेगी, फिर अपन आज मस्त करके सोएंगे, और कल आपको मतलब धूम धड़ाके के साथ, अभी तो बहुत ही क्लोज लोग आए थे, कल जो है सारे दोस्त वगैरह सारी पब्लिक आपको मिलेगी, तो कल जो है तहलका मचाएंगे फिर से। कैसा है? ये सही। हाय यार, क्या मतलब कैसे इतनी लेट, कैसे यार, पूरा कीर्तन हो। मैडम ने क्या किया? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या किया, क्या यार, पूरा कीर्तन हो गया, डांस वांस किया। ये तो आपकी तरफ अंगूठा कर रही है। 14 साल अभी एनिवर्सरी को हमारे, 12 वनवास, तो वनवास हमारा पूरा हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है राज्याभिषेक की तैयारियां है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं मेहंदी के खेल को। हालांकि मैं मेहंदी सबसे आखिरी में लगाऊंगा, लेकिन डांस का मजा अपन पूरा लेंगे।
आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि ताई जी की इतनी एनर्जी का राज क्या है। पटका के तो देख लो ठंडी कितनी है। ठीक है ठीक है। ये मेरे दो कॉलेज के दोस्त हैं और अभी ये पहुंच रहे हैं 12:18। 12:18 पहुंच गए। केरला से आ रहे हैं हम। केरला से ये साले देहरादून में रहते हैं दोनों। देहरादून में रहते हैं, नारियल पानी पीने केरला गए थे पहले। वहां जाने में टाइम लग गया। लगभग 2 बजे के आसपास मेरी मेहंदी लगना शुरू हुई और 2:30 बजे मैं सो गया। बढ़िया मस्त डिजाइन बना है, कल सुबह दिखाऊंगा। शुभरात्रि। कल लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है मेरी हल्दी कंप्लीट हुई और कुछ ऐसा डिज़ाइन आया है। ये वाला मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे को कपड़े भी चेंज करने हैं, तो मैंने धो दिया उसी वक्त, तो ये थोड़ा धुल गया। तो अभी आंखें देख सकते हो आप, बट चश्मा पहन के सब क्लियर है। तो अभी थोड़ा पूजा वगैरह होगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, फिर जो है हल्दी सेलिब्रेट करेंगे। प्यारी प्रथा है हल्दी लगाए जाने की, साथ ही इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ माना जाता है। माना जाता है कि हल्दी दुल्हा और दुल्हन के शरीर व आत्मा की शुद्धिकरण करती है, बुरी नज़र व नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। और साथ ही जब ये हल्दी लगाए जाने का पूरा समारोह बनता है तो आपके परिवारजन, आपके दोस्त, आस पड़ोस वाले आपको हल्दी का लेप लगाते हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। 3-4 दिन के फंक्शन में हल्दी का समारोह मेरा फेवरेट है। मस्त होली के गुलाल की तरह हल्दी लगाई जाती है, औरतें मांगल गीत लगाती हैं और साथ ही हमारे गढ़वाल के ढोल धमाऊ बजते हैं। बनो तेरी हल्दी घर में वार, बनो तेरा चेहरा। भैया भैया भैया, ये पहला ही इधर शंकर भगवान की जय। ओ परमासा पेड़ पार को परमासा, मरने का फल पातो तेरा मेरी चेला। इसी के साथ हल्दी समारोह का समापन होता है और अब तैयारी है रात की कॉकटेल पार्टी की। स्वागत है आप सभी का आज के अपनी कॉकटेल पार्टी में। और ये जो है
आज की अपनी ड्रेस है कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप। और एक सजेशन मैं आप सभी को दूंगा, हो सकता है आपके भी बड़े काम आए। मैंने अपनी जितनी भी ड्रेसेस हैं सारे फंक्शंस की, उनके फैब्रिक से लेके मतलब जो भी कपड़ा है मैंने खुद चूज़ किया है, उसके बाद उनका डिज़ाइन और सिलवाने तक सब कुछ यहीं कोटद्वार में श्रीमान वेडिंग वेयर करके एक ब्रांड है, ए टू जेड सब कुछ वहीं से करवाया है। मोस्टली हम लोग जो कोटद्वार में हैं या उत्तराखंड में इस साइड है, हम सोचते हैं कि क्यों ना दिल्ली जाएँ, मे बी बजट में मिल जाए और वो कुछ नए डिज़ाइन हमको देखने को मिले, बट यहाँ पर वो सब कुछ अवेलेबल है। प्लस मेरे को जो प्रॉब्लम होती यहाँ से दिल्ली जाने में और वो जो टाइम लगता मेरा, वो कुछ नहीं लगा, बिल्कुल हैसल फ्री सब कुछ हो गया। तो आई वुड रिकमेंड कि आप भी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए पर्सनली मतलब श्रीमान जरूर जाएं, हो सकता है आपको भी कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। और फिलहाल अपन निकलते हैं अपनी पार्टी में। मेरे ऑलमोस्ट मतलब जितने हम इंजीनियरिंग वाले दोस्त हैं उसमें मैं लास्ट सेकंड हूँ। ऑलमोस्ट सबकी शादी हो गई है और ये तीनों कपल्स यहीं पे दिख रहे हैं, ये सुदीप और उसकी वाइफ, ये प्रशांत और उसकी वाइफ, ये शशांक और उनकी वाइफ। नवीन के बारे में, शिवानी के बारे में कुछ बोलना है? नवीन को मैं तब से जानती हूँ जब मैं हर की धुन जाने की सोच रही थी और मैंने हर की धुन गूगल पे सर्च किया तो मैंने उनका वीडियो देखा और उसके बाद से मैंने उनके सारे वीडियो देखने शुरू किए और मैंने कांटेक्ट तब किया जब मुझे केदारनाथ जाना था फर्स्ट टाइम। उसके बाद से मुझे, मैं अभी उनकी शादी में दूसरी बार मिल रही हूँ, इससे पहले मैं एक बार मिली हूँ और मुझे लगता नहीं है कि मैं दूसरी बार मिल रही हूँ क्योंकि इतना जेनरस, इतना सॉफ्ट हार्टेड। मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर हम जैसे कभी कह देते ना कि आप कैसे जानते उन्हें, तो हम YouTube से मतलब YouTube फैंस हैं, लेकिन रियली मैं सच में ये कहना चाहूँगी कि वो YouTube पे जैम्स है हमारा। भैया का ख़राब वक्त शुरू होने वाला है। हाँ, भैया का नहीं, शिवानी का। नहीं, भैया का शुरू होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, शिवानी तो इसके बाद वो बन जाएगी, अच्छे लोग भी इसके बाद बुरे बन जाते हैं। बहुत ही वो था, तो अभी अभी तो बचपन तो बहुत वो था, मतलब ये था कि शरारती बनना था वो बचपन में, तो अभी अरे अभी अभी उसका बच्चा अभी तो फिर बुट है वो। शिवानी के बारे में, शिवानी को मैं, तुम्हें कब पता चला चल रहा है? हाँ यार, कब पता चला मुझे, काफ़ी साल हो गए यार। पहले तो मुझे लगा फ्रेंड की तरह आती है, मतलब फ्रेंड है जैसे और नॉर्मल फ्रेंड होते हैं, फिर बाद बाद में मुझे लगा एक ही फ्रेंड बहुत बार आ रही है। बाकी जो कोई कभी बात होती है कैंसिल नहीं होती है। देन आई रियलाइज बट आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। बचपन में शरारती था बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शरारती था ये कि जैसे हम मैं छुट्टी में आता था तो वो क्या है, सोता नहीं था दिन में, तो उसने कभी निशा को लेकर चले, छोटी बहन को लेकर चले जाना और घूमते रहना उसने। आज इसका बहुत बड़ा दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसे वो इसके जो लाइफ पार्टनर है वो मिल रही है। और लाइफ पार्टनर की बात बताऊँ तो उसने एक एक जर्नी मुझे पता है कि आज मैंने इससे फ़ोन में बात की, आज मैं इसे डेट पे ले गया तो मैं भी वहाँ पहुँच गया स्कूटी लेके एक दोस्त के साथ, देख रहा हूँ भाई ने आँख मारी कि निकल जाओ ठीक है अपना स्कूटी में। तो बहुत ही अमेजिंग लाइफ था, मतलब कि 200 रुपये हैं और बियर पीनी है शेयर करके, एक एक बियर भी। नवीन के बारे में या घूमने जाने वाले के बारे में? हाँ, अरे निकाल इधर, फोकस दो फोकस दो। मेरा भाई,
ऐसे कॉलेज में बोलता था मम्मी मेरा इंटर्नशिप है, मम्मी मेरा ये प्रोजेक्ट लिए यहाँ जाना है, कहाँ जा रहा है, घूम रहा है और वो आ रही है क्या होता है नोटिस आ रहा है कॉलेज से कि लेस देन 70% अटेंडेंस है, हम यहाँ सोच रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है। उसने बोला मेरे को मोटरसाइकिल दोगे, मैंने कहा बेटा तेरे को मोटरसाइकिल दूंगा, तो फिर फर्स्ट डिवीजन लाया वो, तो फर्स्ट डिवीजन लाया तो मैं एक दिन उसके साथ में कहीं किसी के मोटरसाइकिल में गया, इतना तेजी चलाया उसने कि मेरे को डर लग गया, फिर मैंने कहा मैं तो तेरे को नहीं दूंगा भाई। फिर उसके बाद मैंने उसने बोला तो उसको आश्वासन दिलाया मैंने ना कि मैंने बेटा तो ऐसा करके इंटरव्यू वो फर्स्ट डिवीजन लाया तो अच्छा लाया वो, तो उसने उसको नहीं दिया मैंने उसको, तो उसने बोला पापा मेरे को बीटेक कराओ, मैंने कहा बेटा मैं तेरे को बीटेक में कुछ भी करूं, क्योंकि पहले हम फौज में थे, फौज में इतना पैसे नहीं थे, तो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तो उसने पहले ही मोटरसाइकिल लिया, उसके बाद फोर व्हीलर लाया वो बचपन से। यार हम तो हमारे उसमें एज डिफरेंस कम है, हम तो चाकू बेलन जो मिल रहा है लड़ रहे हैं आराम से, आज भी लड़ते हैं, आज ही मैं उसे हरा देती हूँ, आज भी। तुम सबको हरा देती हो। पहली बार मैंने उसका व्लॉग देखा, मैं उसका फैन हो गया और उसकी आवाज़ मुझे कोटद्वार तक खींच के ले आई। मेरी लाइफ में दो लोग हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है, एक वो छोटा वाला दोस्त और एक ये थोड़ा स्मार्ट वाला। लेकिन नवीन के साथ रिश्ता शायद डिवाइन है, क्योंकि कुछ तो है जो उससे जोड़ के रखता है। यूट्यूब में तो भैया शिवजी के फैन है और रियल लाइफ में शिवानी के फैन है। किसी के साथ भी आई थिंक जो बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है इंसान की कि ये बंदा जो है अपनी दिल की सुनता है और दिल से करता है, और जो बंदा दिल से करता है उसे लोग पसंद करते हैं। किसको सोना चाहिए अभी, कल शादी है, आज सोना चाहिए कल चंदी चाहिए ऐसे बोलेगा, फिर हीरा मांगेगा। हाँ हीरा तो है बंदा। नहीं ये सोना है, हीरा तो मिल रही है। कुछ भी बोल। अभी अब बहुत थक गए हैं तो आज सोएंगे और कल जाएंगे बारात लेके, तो खुशी है उसको लाने की। हाँ बारात लेके तो कल मिलेंगे आपको। अभी मतलब अभी क्या पूरा शेरवानी वगैरह पहना है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, जिस तरीके से मतलब मैंने हमेशा से ही सोचा था, और ख़ास करके जब निशु की शादी हुई पिछले साल, तो मैंने सोचा तब तो मतलब वो जो मेरा इरादा था वो पक्का हो गया था कि यार अभी क्या है कि मंदिर में शादी करना है मस्त धोती कुर्ता पहन के, और बाद में मतलब एक पार्टी वार्टी देंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में शादी सिर्फ आपकी नहीं हो रही होती, और मेरे को लग रहा है कि मतलब एक सबका इमोशन है, और उस वजह से मतलब अभी क्या है पूरा एकदम जोर शोर से तमाशे के साथ हो रही है। तो जब तमाशे के साथ हो ही रही है तो इसका मतलब अपन पूरा मजा ले रहे हैं। तो कुछ मैसेज है वो आपके लव्ड वंस के लिए, क्या शादी के बाद जो मैसेज इसमें? शादी के बाद यार मैं तो एक तरीके से ये मेरे लिए एक सामाजिक फॉर्मेलिटी है, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा ही था। वेलकम होम। देखिए जिंदगी का खेल ऐसा है कि इस खेल की गेंद आपके हाथ में नहीं है। कहां मैंने सोचा था कि शांति से पास के जगदेवा मंदिर में शादी करूंगा, और कहां आज दिन दहाड़े घोड़ी चढ़ रहा हूं, वो भी आजाद बैंड के साथ। हाँ लेकिन इस खेल का बल्ला आपके हाथ में है, अब दिन में ही सही चाय नारियल पानी पीते हुए ही जाएंगे, लेकिन मजे पूरे उठाएंगे। Yeah.
यहाँ पे सीन ऐसा बना है कि हम बारात लेके एग्जैक्ट 11 बजे पहुंच गए और मेरी सालिया बेचारी पार्लर में मेकअप करवाते ही रह गई, गेट घिराई में नहीं पहुंच पाई। हम तो मतलब सब चल रहा है या कब आपको बताया? ये तो काफी टाइम हो गया ना चल, मतलब है जान पहचान, मतलब उसके साथ में जान पहचान, हाँ है काफी टाइम है, मतलब हो गए होंगे 8-10 साल। मैंने सुना कि वो ना कॉलेज के बहाने कहीं जाता था, आपको पता है? ये निशुल ने बोल दिया हम लोग मीटिंग से मीटिंग, मम्मी मेरी मीटिंग है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, मम्मी मेरी मीटिंग है, मीटिंग मीटिंग। दूसरों को डांस करता देख मैंने सोचा दुल्हा ऐसे स्टेज से उतर के डांस करे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। फिर ऐसे गाने बजे, मैंने सोचा दूल्हे का तो ठीक है, ऐसे गाने में नहीं नाचा तो नवीन को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। बैरागी के वक्त बताया था ना एक गर्लफ्रेंड है, यही वो गर्लफ्रेंड है, और जब जब वीडियो में जाने मन बोलता था यही वो जाने मन है। शादी हो रही है तो भी यकीन नहीं हो रहा है कि शादी हो रही है, यही बैरागी का राग है। और हाँ मैडम जब परेशान होती हैं फिर तो और भी कमाल लगती हैं। मालूम ये तो जब मुझे तुम्हें बताना है या किसी और को कहानी बतानी है तब गणित काम में आती है। कब से एक दूसरे को जानते हो तब सोचना पड़ता है कि कितने दिन कितने महीने या कितने साल हुए, वरना कब इसके साथ 20 से 30 का हो गया कुछ पता नहीं चला।